मोरे रामा, ओ मोरे रामा, ओ भोले जोगिया हो राम। हरद्वाज की सुने कहानी, माता पिता पुत्र अज्ञानी, खाली ज्ञानी रहली घर वही में पतो। नारी नारी नहीं वीर है भारती, अवतन के लिए दे दिया तन अपना झूम के। नारी की भावना को जिगर में लिए, जीवन अपना बनाया चरण चूम के। नारी का दर्जा नर से भी ऊंचा रहा, ज्ञान सिखलाई चारों तरफ घूम के। नारी से हारे नारायण दई के बचान, ज्ञान तूफानी होता नहीं सूम के। हाँ भैया, एक बात मेरी सजनी, गठिया लो चुनरिया सजनी, गठिया लो चुदरिया में, बिना पैसा क बिक जइबू, बिना मोल क बिक जइबू, एह माया की बजरिया चंचल चपला चमके अबला की अचरिया में, तो चंचल चपला चमके अबला की अचरिया में, गम गम गदवा गम के गुलशन की कियरिया भैया। कई दिना क भूखा बाबा एक पुजारी था, घूमते गईले जहां गांव एक भारी था। गए बाबा जी कोई भेद नहीं पाया है, घूम के चारों तरफ आवाज एक लगाया है। चार दिन से भट्टी जल रही मेरी भैया, लकड़ी डालो इसमें देर न करो भैया। ओ महात्मा, सुबह से संझा तक चार चक्कर उस क्षेत्र में लगाया कि भट्टी जल रही मेरी चार दिना से कोई लकड़ी डाल दो, लेकिन कोई बात समझा नहीं। कोई पागल समझता है वह मूर्ख नगरिया में,
शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गया, कोई नहीं समझ पाएश कि महात्मा या लोग सोचन कोई पागल घूम रहा, क्योंकि दरवाजा लोगों ने बंद कर लिया। सुने वाले मित्र जरा समझे इस बात के लिए, हाय सहनाई बाजी बदला सिलसिला, दुलन धर्म करम धर्मा कर्तव्य सच्चाई, सहनाई बाजी बदला सिलसिला, पूरे परिवार में हरद्वाज में उसी गांव में एक दुल्हन ज्ञानवान रही। अपने सास ससुर के भोजन कराए के, अपने दुल्हा के भोजन कराए के, अपन हिस्सा भोजन चूल्हा पर रखे, इतने में महात्मा पहुंचे, कहे भट्टी जल तक कोई लकड़ी डाल दो। तो दुल्हन बुलावता, अरे देखते दुल्हनिया गयल पहचान, बाबा से कहे लाग मधुरी जबान, बाबा आवा बैठ हमारे मकान, मजे मजे बोले लागिन बाबा गियनिया, भट्टी जलत लकड़ी डाल दो दुल्हनिया, अरे बतिया न समझे कोई नौजवान, ज्ञानी दुल्हनिया तुरंत गई जान, दुल्हन जान गई बाबा सूर्य अस्त हो गए। समय 8 बजे के बाद बाबा के बैठा हुआ था। उस दुल्हन के ससुर सास दुल्हा नाराज होते हैं, लेकिन बोलत नहीं हैं कि देखो मेरी पतोहू का करती है। तो गुजरिया बोली हाय बाबा से, गुजरिया झट दे बाबा के असनवा लगौलिन, झट दे बाबा के ओ दुल्हन। ओ बाबा के लिए जब आसन लगावत हैं तो बाबा आव, झट दे गुजरिया असनवा लगौलिन, और जरते जल्दी में भोजनवा लैवलिन, जरत दाल भात रोटी सब्जी सब बिचारी ले आए कर रखता। ओकर दुल्हा ओकर सास ससुर नाराज होते हैं कि चीन पहचान नहीं, पूरा क्षेत्र पूरा गांव नहीं खिलाए, लेकिन मेरी पतोहू पता नहीं। पर नहीं बर्दाश्त भ बाबा के जब भोजन खिलावता, जरत जरत ले आए के, अरे नजरिया देख हाय बाबा के नजरिया, बाबा भोजन शुरू कर दिया। जब दो चार कवर खाए तो कहें दुल्हन एक ठी बात और हमके बताए दे। ओकर सास ससुर ओकर दुल्हा बड़े ध्यान से बात सुनत हैं, समझत हैं कि मेरी पतोहू क्या कर रही है,
अब बाबा जब चार पांच कवर खाए पानी पिए कहें दुल्हन एक बात बताए दे। दुल्हन कहें का बाबा? बाबा कहें बासी की ताजा भोजन बाबा कहें दुल्हन ई खाना बासी या कि ताजा? नार कहें बाबा का पूछत है? बाबा कहें ताजा की बासी भोजनवा? नार कहें बासी हुआ मान ले कहनवा। नार कहें बासी ओकर सास ससुर बड़ा नाराज होतन, दुल्हा भी बहुत नाराज होता कि वह जरत जरत खाना खाए रहा है महात्मा, मेरी औरत भी पगलाई है, ताजा भोजन के बासी बताओता बात का आया। लेकिन बाप कहा बेटे से, बेटा बोलो न देखो इसका आखिर में अंत का बोलत का अंत निकरत है। कहना भी बा अरे मुखरिया देखे हाय बाबा के मुखरिया, बाबा का दुल्हन मुह देख रही है। अब देखते देखते बाबा कहें दुल्हन एक बात हमके और बता दिए, चार छक और फिर खाए पानी पिया। दुल्हन एक बात हमके बताई दे। कहें का बाबा? बाबा पूछत हैं केतनी उम्र दुल्हन दे तू न बताई हो केतनी उम्र तुहरी। तब तो दुल्हनी के सास ससुर बहुत नाराज होते, ओकर दुल्हा भी नाराज होता कि खाना खाएं एक दाई बासी और ताजा पूछें। अब उम्र देखत हैं, उम्र पूछत हैं का बाता। दुल्हा ओकर कहा तो दुल्हनी के मालूम होता ई साधु महात्मा न हो, कोई ढोंगी है ई, कोई ढोंगी पंडित है। बाप बोला नहीं बेटा देखो अंत में होता का है। बाबा पूछत हैं कितनी उम्र बा दुल्हन तुहार? तो मजे मजे बोले लागी बारी बहुआरिया, अरे मजे मजे बोले लागी बारी बहुआरिया, छह साल का हो गई बाबा हमार उमरिया। छह साल का नाव सुनते तो दुल्हा कर लाग उठे बैठे कि अरे बाप रे बाप, ये महात्मा कोई जादू कर दिया है, मेरी औरत 20-25 साल से कम उम्र नहीं, नहीं तो 6 साल बतावता। बाप रे बाप, महात्मा फिर खाते हैं खाना। दुल्हन से पूछें कितनी उम्र बा? कहें बाबा 6 साल की उम्र बा। अरे बैठा बा मोहारे के दुल्हारी सियाई रे के तनी उमर दुल्हन, अरे बाप रे बाप, 6 साल की उम्र सुनते दुल्हा ओकर गरम बा। फिर 2-4 कवर खाएं महात्मा कहें दुल्हन एक बात और बताओ। कहें का बाबा? कहें सास ससुर के अपने उम्र बतावा, अरे सास ससुर के
दुल्हिनी अपने उम्र बतावा और दूल्हा का उम्र अपने सही समझावा। दुल्हन अपने सास ससुर को उम्र बताओ, अपने दूल्हा को उम्र बताओ। और दूल्हा बैठा गरम बा, लेकिन बाप रोका तो बेटा बोलो कुछ, देखो अंत में का होता है। सुने वाले मित्र इतने नहीं तो दुल्हन कहत का है, 3 महीना का दूल्हा हमार बाबा हम दे बतायो के तनी उम्र कोई। अपन उम्र 6 साल के, अपने दूल्हा को उम्र 3 महीना का। तब दूल्हा कहत अपने बाप से कि पिताजी अब हम मारब। बाप बोला नहीं बेटा, पूरी बात समझो, आखिर होता का है। ठीक है, महात्मा कहते हैं तोहार उम्र 6 साल का, तोहरे दूल्हा की उम्र 3 महीना का, अपने सास ससुर की उम्र बताओ। तो दुल्हन कहत हैं कि 15 दिन का सासू बाबा मान हमारी बतिया, 15 दिन का सासू बाबा मान हमारी बतिया। अरे 15 दिन का हमार सासू बाबा मान हमारी बतिया, ससुर जन्म नाही लिहल इधर अतिया। इतना सुनते तब बेटवा कहता दुल्हनी के दुल्हा कहता, काका पिताजी अब हम न मानब, जरूर मारब, उठा मारे बदे, जब चल देस खिसिया के मारे बदे। इतने महात्मा पानी पी के चल दिया, पहुंच के घरे में लगा मारे, मार के 10 बजे रात घरे से निकारता, मार के घरे से निकारता। तब दुल्हन बड़ा दुखित होकर रोता, बुढ़वा बाप बोला मारो न बेटा, न घर से निकारो, इसके वापस बैठा लो, पूछो आखिर बात ऐसन भय काही। थोड़ी दूरिया मार के पहुंचाए के फिर पकड़ लिया दुल्हा घरे में, पूछता कि हमके साफ साफ बतलावा और हमारे जी का भरम हटावा, सदुआ घुसा घरे में कर ले बतियाई सहनाई बाजी बदला। दुल्हन रोवता कि यही बात आप पहले पूछ ले होतीन, मारन हमके हमार पूरी शरीर कांपता डर के मारे, आप मार के तब हमसे पूछत हैं। मर्द बोला कि आखिर इतनी बात ऐसन भय काही, ताजा खाना के तैबासी काहे बताए, का बात आ आपन उम्र 6 साल बताए, हमार उम्र 3 महीना बताए, हमारे माता को उम्र 15 दिना बताए, हमारे बाप के कहते हैं पैदा ही नहीं भय ऐसा भक काहे। तब दुल्हन रोवता बड़ा दुखित होई के रोवता, मधुरी जबानिया दादा है, मधुरी जबानिया से बोले बारी धनिया, काहे रिसिया आई गईले बलमू, काहे रिसिया आई गईले बलमू, हमसे होइगे कौन कसूर हो, काहे रिसिया आई गईले बलमू, कौन कसूर हो, काहे रिसिया आई गईले बलमू। Oh,
दुल्हा बोला कि पूरा गांव नहीं जब उस महात्मा के पूछा तुमने क्यों खिलाई क्यों ऐसी बात की तो दुल्हन रोई के कहता कि गवना क तोहरे कोई भेद न जानी गवना क तोहरे कोई भेद न जानी गवना क तोहरे कोई भेद न जानी गवना क तोहरे कोई मरम न जानी ओ तरहलिन महात्मा सुनय असली ब्रह्मा ज्ञानी काहे ऋषि आय गैले बलमू समझे नाही बतिया जरूर हो काहे ऋषि आय गैले बलमू बोला ठीक है ब्रह्मज्ञानी थे ये बात सच है लेकिन खाना ताजा रहा तो तुम बासी क्यों कहा मर्द बोले सुन ले हमारी गुजरिया और खाना रहा ताजा बासी कस कैलू जी करिया दुल्हन कहे आप तो बतिये न समझे बासी ताजा का सवाल इसलिए बतावा कि जब से हम आपके यहाँ शादी भई आए और तब से अब आप एको पैसा कमाई नहीं कर रहे हो न एको पौआ अनाज पैदा कर रहे हो न कहीं से कमाई न धमाई न अनाज न पानी ये सब बाबा का कमाईया यह बदे हम बतावा कि बासिया यही बदे सैया हम कहली बतिया लेकिन समझन हम के मारे ला गया धीरतिया काहे ऋषि आय गैल बलमू भगती न समझे भर पूरो काहे ऋषि आय गैल बलमू आप समझे नहीं जब से आप कहीं आए और तब से बाबा कमाईया जब तक बाबा कमाई ही तब तक बाबा कमाई बासी बा जब तू कमाई लगबे यही जगह पर औरत ज्ञान देता ज्ञान कहती न ज्ञान के खत्म करने की बात जैसे बत्ती जल थे अंधेरा हट जात है वैसे जब ज्ञान मिले थे अज्ञान हट जात है औरत ज्ञान दहेस कि आप पहचान करिए तो मर्द बड़ा निदर्द था वो बोला कि अच्छा मान लहिया तक बात सही बा उम्र वाली बात बताओ तू अपने के 6 साल हमके 3 महीना माता 15 दिना और पिता पैदा ही नहीं तो औरत हंसी कि वाह बारे स्वामी जी समझ ली हो बात अरे मधुरी जबानिया से बोले दुल्हनिया सुन ला सजन वातनी बतिया रे हमारा मर्द बोला कि अपने के 6 साल का ही बताऊ अरे चढ़ली जवानिया में कैलू न खियलिया गोरी चढ़ली जवानिया में कैलू न खियलिया गोरी अरे 20-22 साल कई बाटे उम्र भी तोहार में
बीस बाईस साल बाटे उम्र हो तो तब औरत हसता अरे मधुरी जवानिया से बोले बारी धनिया हो रामा मधुरी जवानिया से बोले बारी धनिया हो रामा मधुरी जवानिया से बोले बारी धनिया हो रामा सुन ले ते दुल्हा राजा बतिया रे हमार बलमुआ तनी बतिया हो छह साल हम कहली है हो गईले गियनवा राजा छह साल हम कहली है हो गईले गियनवा आत्मा परमात्मा से जब हो गई दीदार बीस बाईस साल का हमार उम्र बा लेकिन छह साल हमके ज्ञान लेहे होई गए जब सतगुरु से ज्ञान मिला तब प्रभु परमात्मा का पहचान मिला तब हम सोचा कि दुनिया में हम अब पैदा भए अरे तीन माह तो हौ के लिए भगियनवा बालाम तीन माह तो हौ के लिए भगियनवा बालाम तीन माह तो हौ के लिए भगियनवा बालाम अरे संगत बिना तू भूल गईले दिले संगत बिना भूल गईले दिले संगत नहीं पाए संगत नहीं की है एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआध तुलसी संगत साध की कटत कोटि अपराध अपन दीना बूढ़ा जी के लिए भगियन अरे बहुत समझावा बाबा न लिए गियनवा उनकी जीवनिया एकदम हो गईली बेकार अरे गुलशन में खिले गुल हजार मितवा भक्ति भामना का जागी तब बाहर मितवा नारी से हनर नर से नारायण कहाई पिया गरीबन का करे सेवकाई अरे खाली नहीं रहे भंडार मितवा भक्ति भावना का जागी तो बाहर मितवा अरे लिखते राम तुम्हें तूफानी सच्चा गुरु में नहीं बाबे मानी सहनाई बाजी बदला सिलसिला अरे राम कैलाश गावत आई गई बुढ़ाई सहनाई बाजी बदला सिलसिला बाप महतारी वाले थारे में एकदम नमक खट्टी खट्टी खीर और अपने पति के मीठा मीठा खीर दे श्रवण कुमार जब बदल दे तो औरत बहुत नाराज बा तो नारी बोली सुना पति अब थारी बदल जिन मति नहीं होई आई बेलनन कगम सनवा जननवा जित काल होई देना